मेक मनी टिप्स, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, मेक मनी टिप्स से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले घंटे को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। सी समथिंग टेकी, सी समथिंग न्यू। अरे डॉक्टर, ये बार तो क्या मारता है मेरी फर्स्ट बार? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम असर भजा है और आप देख रहे हैं एक टेक स्टार। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी देखते हैं कैसे वीडियो शूट होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरफ वीडियो शूट करना है, आप देख लीजिए। ये पहला शॉट है जो आप आना होगा। उसके बाद सेकंड शूट ये रहा, एक्टर को बोलना है दीवार पर फेंट मारने के लिए और इसे आपको एक्टर को कहना होगा स्टेबल होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। फिर दूसरा शॉट ले लीजिए कैमरा लाकर। उसके बाद आप दो मोबाइल का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक मोबाइल का यूज किया हूँ। उसके बाद ये जो नीचे से सबसे नीचे से कैमरा रख दीजिए ताकि नीचे पत्थर गिरे तो वो लुक लग सके। उसके बाद जो तीस जो फाइल है लास्ट का, आप उस तरह टॉप पे रखना है, आप दीवार पर रख दीजिए या तो अपने कंधे पर रख दीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले घंटे को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारे हर आने वाले वीडियो आपको अपडेट देता रहे। तो फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं करवा, तो चलिए काइनी मास्टर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे एडिट होता है। करना है काइनी मास्टर ओपन करने के बाद प्लस पे चीन पे जाना है और एमटी प्रोजेक्ट में जाना है। एमटी प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, मीडिया ब्राउजर में जाना होगा। आप पहले फर्स्ट फाइल को उठाइए, ये मेरा फर्स्ट फाइल है। आपको यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको शुरू का जो स्क्रीन शॉट लेना है, उसके बाद ओके कर आप इस वाले वीडियो को डिलीट कर दीजिए। मीडिया में जाइए कि जिस जो आप फ़ोटो कैप्चर कर रखे हैं उस फ़ोटो को उठाइए। फ़ोटो को उठाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे थोड़ा जूम कर देना है। उसके बाद आपको ये देखिए एनिमेट हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमें इसे ये करना होगा। तो क्या करना होगा, फिर से मीडिया में जाना होगा, कैप्चर फाइल को लेना होगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्रॉप का चिन्ह है उस पर जाना होगा और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा ये हो गया, तो फ्रेंड्स परफेक्ट जगह पे कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट वाला फाइल उठाए थे आप उसे फिर एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है, इसे जूम कर देना ताकि मेरा जो वीडियो है उसका पार्ट कट कर सके। देख लेते हैं एंट्री कहाँ से होता है। यहाँ से कट कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से कट करने के बाद आपको देखिए लास्ट पोर्शन यहाँ पर, यहाँ से आपको राइट क्लिक राइट ट्रिम कर देना है। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को कट कर देना है और नीचे वाले पार्ट को क्लिक करना है। उसके बाद इसमें जाना है, उसके बाद ये कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इन में जाना होगा, फेड कर देना होगा और आउट में जाकर फेड कर देना होगा। तो देखते हैं इफेक्ट कैसा आया। तो फ्रेंड्स मीडिया में जाइए, जो दूसरा फाइल है आप उठाइए, इसी में अटैच करेंगे दूसरा वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको दूसरा वीडियो लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये लोडिंग उठा रहा है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो एंट्री हो रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा पोर्शन को कट करना होगा क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद जैसे ये आ रहा है फ्रेंड्स, जैसे ही आ रहा है, जैसे ये मारा तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन शॉट लेना है। मैं यहाँ पर आपको एक ही बार करके दिखाऊँगा पी कार्ट में, आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बता दूंगा कैसे करना है।
तो अब पी कार्ट ओपन करेंगे। तो चलिए पी कार्ट ओपन होने के बाद देखिए हमारे में जो पहला दिखा रहा फोटो, अगर आप में नहीं दिखा रहा तो एडिट फोटो में जाइए, उसके बाद अपना फोटो चूज कीजिए। फोटो चूज करने के बाद फ्रेंड्स ये भी ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है ये एम्प्टी लेयर तो नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आकर उसके बाद क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फ्रेंड्स स्क्रॉल नहीं, मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ एक फोटो है ये वाला। तो फ्रेंड्स ये वाला एक डालने के लिए आपको थोड़ा कर लेना होगा, उसके बाद परफेक्ट जगह पे बैठा देना होगा। तब उसके बाद इरेज में आना है। इरेज में आने के बाद आपको देख लेना होगा, बड़ा कर लेना, उसके बाद ये देख लेना होगा। उसके बाद जूम कीजिए। जूम करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे इरेज करना होगा बिल्कुल हाथ के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अच्छा फील कर रहा था क्योंकि पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसी के लिए। तो फ्रेंड्स आप टाइम कुछ देकर आप वीडियो बनाएंगे, इसी तरह आपको हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे वाला तो फोटो को लेना है, उसके बाद डिलीट मार देना है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे सेव टू इमेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको फिर बैक फ्रेंड्स सेव करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेव टू गैलरी कर लीजिए। फ्रेंड्स फिर से फोटो में आने के बाद फिर जाइए ड्रो में। ड्रो में जाने के बाद आप फ्रेंड्स क्या करिएगा, फोटो में जाइए। फोटो में जाने के बाद फ्रेंड्स दीवार जो क्रैक है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आना है, उसके बाद थोड़ा इसे छोटा करके उसके बाद इसी तरह कर देना है। उसके बाद फिर से एम्प्टी लेयर में जाना है, फिर से कर देना है। करने के बाद आप अपने से बैठा लीजिए, अपने वीडियो के हिसाब से बैठा लीजिए। उसका इरेजर में आना है। फिर से इरेजर में आने के बाद जो हाथ पे आ रहा है आपको उसे इरेज करना होगा। जो हाथ पे आ रहा है आपको इरेज करना होगा। तो ये कपड़ा पे आ गया तो उसको इरेज कर लेना है। उसके बाद सेकेंड वाला फोटो को लेना है, उसके बाद ये देखिए जो हाथ पे आ गया उसे इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बढ़िया हो गया, आपको इसी तरह कर लेना है, इसी तरह आपको कर लेना है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर उसे इसको डिलीट मार दीजिए। इसे डिलीट मारने के बाद क्या करिए, ऊपर वाले फाइल को लीजिए, यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। मर्ज हो गया, उसके बाद यहाँ पे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए और सेव इमेज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं चलते हैं। फ्रेंड्स आपको पी कार्ड से बनाकर मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद आपको क्या करना होगा, जहाँ पे अपने फोटो सेव कर रखे हैं उस फोटो को लेना होगा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मेरा फोटो है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, देखिए परफेक्ट बैठ गया। उसके बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद जहाँ पे क्रेक दीवार बनाए होंगी फोटो, आप उसे लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये कर देना, देखिए अच्छा सा हो गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, जो क्रेक वाल है इन में आइए, इन में आने के बाद वाइप डाउन कर दीजिए। वाइप डाउन कर दीजिए और आइए नीचे जो यहाँ पे जो लाइटिंग है आप उसे भी इन में आइए और वाइप डाउन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका इफेक्ट कैसा आया। तो फ्रेंड्स थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो अब देखते हैं कैसा आया। तो फ्रेंड्स परफेक्ट आ गया। फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इसे एक्सपोर्ट कर देना होगा। एक्सपोर्ट कर देने के बाद आपको आइए सेव टू गैलरी और हाई डेफिन में कर दीजिए। प्रोजेक्ट में जाइए, एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको थर्ड फाइल लेना है। मैंने एक और दो फाइल को एक ही साथ जोड़ दिया था, तो आपको ये वाला फाइल उठाना है।
उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला जो आपका एक्टर है वो देखिए वहाँ पे हिलना ना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हल्का थोड़ा कट मार दीजिए क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, मीडिया में जाना होगा, आपको सेम प्रोसेस करना होगा, पी कार्ट जैसे पहले मैं बस सिखाया हूँ उसी तरह सेम प्रोसेस करना होगा। उसके बाद मीडिया में आना होगा, मीडिया में आने के बाद आपको क्या करना होगा, फाइल उठाना होगा, सॉरी पी कार्ट। उसका जो सेकेंड वाला वीडियो फोटो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया में जाना होगा, उसके बाद क्रेक वॉल का ले लेना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए परफेक्ट तो हो चुका है। उसके बाद फिर से आप आइए इनमें और वाइप डाउन कर दीजिए और इसको नीचे वाले को आउट में, सॉरी इनमें आपको फिर से यहाँ पे आपको वाइप डाउन कर देना है। फ्रेंड्स वाइप डाउन करने के बाद ये देखिए थोड़ा हाथ आ रहा है, तो क्या करना होगा, सही से आ जाइए, एक्टर यहाँ से भाग रहा है। तो आपको क्या करना होगा, मीडिया में आना होगा, फिर से फोटो लेना होगा, डाउनलोड में मेरा फाइल है तो मैं यहाँ से उठाया और उसको थोड़ा उसके बराबर किया, उसके बाद ये कर देना है। उसके बाद इन में आना होगा, सॉरी इन में कुछ नहीं करना होगा, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसा इफेक्ट आया है। यहाँ पे एक्टर भगा, यहाँ पे भगा एक्टर। तो फ्रेंड्स अब ये हो गया, आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स आप देख लीजिए कैसा है वो वीडियो, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है फिर से हाई डेफिनेशन में। एमटी प्रोजेक्ट में जाइए, एमटी प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको मीडिया वर्जन में जाना है, जो आपका लास्ट का दो फाइल बचा है आप उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, मीडिया में जाना होगा, आप जहाँ से ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करे होंगे आप उस फाइल को लेना होगा। उस फाइल को लेने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा, ये थोड़ा लोडिंग आपके मोबाइल पे डिपेंड करता है आपका कितना रैम है। तो मेरा मोबाइल बहुत स्लो है, ये रन नहीं कर पाता है मेरा मोबाइल। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कहाँ पे पत्थर गिरता है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम लेफ्ट कर लेंगे और देखते कहाँ तक गिर रहा है। और यहाँ से कर लेंगे, उसके बाद इसमें जाना है, उसके बाद ये क्लिक कर देना है, उसके बाद जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस पर जाना है, क्रोमा की में जाना होगा, इनेबल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करना होगा, ये देखिए हट गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए जहाँ पे वीडियो ये हो रहा है यहाँ से आपको कट करना होगा, यहाँ पे कट कर दीजिए। जो सेकंड फाइल है आपको फिर से मीडिया में जाना होगा, मीडिया में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना होगा फ्रेंड्स, टॉप से जो कैमरा के टॉप से गिरता है पत्थर वो सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ये नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स, देख लीजिए कैमरा के टॉप से गिर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गिरने का खत्म हो गया, स्प्लिट कर लेना है, इसको डिलीट मार देना है। उसके बाद इसी के बराबर का क्या करना होगा, इसको ये करना होगा और यहाँ से ट्रिम कर लेना होगा। ट्रिम करने के बाद ये बीच वाले पे क्लिक कीजिए और इस वाले पोर्शन पे जाइए और ये वाला क्लिक करिए और यहाँ पे परफेक्ट जगह पे यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे हो जाने के बाद आपको इस पे जाना है, क्रोमा की इनेबल करना है, फिर से आपको कलर चूज़ करना होगा। कलर चूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा कलर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है तो अब परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाने के बाद आपको देखिए थोड़ा कलर कलेक्शन गलत हो गया, तो फ्रेंड्स आप सही से टाइम देकर कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए इफेक्ट हो गया, ऐसा लग रहा है दीवार में टकरा रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी है बनाना। तो फ्रेंड्स ये आपका बन चुका है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट
यहाँ से एक्सपोर्ट हाई डेफ में पहले बता देता हूँ, जो जो मैंने वीडियो बताया एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एडिट किया होगा, एक्सपोर्ट कर लिए होंगे, अगर एक साथ अगर वीडियो आप एडिट करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है एक्सपोर्ट होने में। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने बोला एक एक पार्ट करके आप इसे एक्सपोर्ट कीजिए। तो अब बारी आ जाती है इसे एक जगह करने का और इसमें साउंड इफेक्ट डालने का। तो फ्रेंड्स एमटी प्रोजेक्ट में जाइए, एमटी प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, मीडिया ब्राउजर में जाइए। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आप जहाँ पर वो फाइल रखे हैं तो आप उसे उठा लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने शूट कर रखा है, ये फर्स्ट फाइल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फ्रेंड्स ये रहा मैंने जो जो एक्सपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे फाइल मिल गया। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको साउंड इफेक्ट डालना होगा। साउंड इफेक्ट आप डाल सकते हैं, सिनेमैटिक डाल सकते हैं, वो सब तो आपको मालूम होगा, तो करने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं होगा। और आप कलर फिल्टर में जाकर कलर दे सकते हैं और साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। और साउंड इफेक्ट डालने के बाद आपको क्या करना होगा, शेयर में जाना होगा और सेव टू गैलरी हाई डेफिनेशन में कर दीजिएगा, आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा ये क्रेक वॉल का इफेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ भी मार दो हथौड़ा, मालूम है यार कैरिमिन आंटी की तरफ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यार जो जो उसका फ़ैन है यार सचमुच यार ये ले सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स आपको जो जो इफेक्ट मैंने बताया है फ़ोटो मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिंक होगा एक कैप्चा फिलअप करने के लिए आएगा, कोई हैकिंग का नहीं है फ्रेंड्स। ये कैप्चा आपको फिलअप करने से आप मुझे कुछ पॉइंट पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स आप जाइए और कैप्चा फिलअप कीजिए, या तो 5 सेकंड का आपको ये चलेगा टाइमर। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको रिडायरेक्ट मेरे गूगल ड्राइव पर ले जाएगा और डाउनलोड करने का ये मौका देगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को, अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे चैनल को सपोर्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा डाउनलोड के लिए, डाउनलोड कर लीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।